हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विराट के पहली बुलेटिन में। हमारे पूजा खबर सीधी जिला के चुरहट थाना क्षेत्र से हवे, जहां के एक आरक्षक आरोपी का थाना बुलाए रहे। थाना प्रभारी विधायक के ध्वज दिखाए के उनका जूता मारे के बात कही नहीं बे। हालांकि आरक्षक हलाए थाना प्रभारी का मुंह तोड़ जवाब दीन और यह कहन के आरोपी के इतनी हैसियत नहीं आए कि एक मिनट में ही कोनो विधायक के फोन के खातिर आ जाए। अपना खुद ऑडियो में सुनी के थाना प्रभारी कौ में आरक्षक से बात कह रहे हम और कौ में जूता मारे के बात कह रहे हम। यह ऑडियो सतीश मिश्रा के बतावा जात हवे। हालांकि ये ऑडियो के पुष्टि विराट 24 चैनल नहीं कराता है। सर राम सर, बोले की आए हो जी? तो मैडम का कोई मामला था, प्रकरण था, उसका बयान लेना था, उसको बुला के लाए हैं। बाकी था उठाने की तो कोई बात नहीं है। कौन सा मैडम का मामला था, मैं बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। प्रीति मैडम का था, उसने नाम हमसे क्यों आता है सर? मुझे बोली थी लेके चला सर, आप तो सर बस कहने पे फोन लगा दिए श्रीमान। क्या किसी के कहने पे श्रीमान फोन लगाए हैं आप? अगर हमारे पास फोन आ गया, विधायक का फोन मेरे पास आता तो किसे लगाऊं? नहीं सर, वो तो तत्काल एक मिनट के बाद है बोल रहे हैं विधायक का फोन। ऐसा तो इतना बड़ा आदमी नहीं है कि विधायक का फोन आ जाएगा सर। जूता निकाल सर, जूता वाली बात ना करे श्रीमान, ठीक। और अब बात करी थे रीमा के, जहां एक थे पुत्र अपने पिता के तलाश में ही दर दर के ठोकर खाए का मजबूर है। अपना बता दे के पुत्र के कहा है कि उनका पिता पिछले 1.5 महीना से गायब है। कई अगर की पुलिस थाने में जाए शिकायत कर चुके हम, अब तक उनके पिता के घनों जानकारी नहीं मिली है। सर मेरे पापा जो है लापता हो गए हैं, आज उन्हें 1.5 महीने हो गए हैं। मेरी उनसे आखिरी बार 3 तारीख को बात हुई थी और 5 तारीख से उनका कंटिन्यूसली फोन स्विच ऑफ हो रहा है। तो उसकी वजह से मैं 18 तारीख को इंदौर में रहा करता था, पढ़ाई करता था, तो मैं वहाँ से आया 18 जून को। उसके बाद जाके मैंने रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज कराई। आज 1 महीने होने को आ गए, आज तक ना कोई कार्यवाही हुई, ना कुछ सूचना, ना कुछ भी। मैंने हर एक जगह आवेदन दिया, CDSP में भी आवेदन दिया। रीमा माही निजी एम्बुलेंस के संचालकन के मनमानी के चलते एक मरीज मुसीबत में फंस गए। अपना का बताई दी कि असल का मामला संजय गांधी अस्पताल के आए, जहां कुछ दिन पहले पांडिन टोला के रहने वाली शुभांगी छत से गिर के घायल हो गई रही, जिनका संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावा का रहा। डॉक्टर उनका बेहतर इलाज खातिर जबलपुर खातिर रेफर करे रहे हम और जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करावे के बात की गई रही। पर कमीशन के चलते एम्बुलेंस के ड्राइवर और उनका साथी संस्कार धानी अस्पताल में पीड़ित का पहुंचाए दिन, जहां पहले ता डॉक्टर या कहिन के आयुष्मान कार्ड से बिटिया के उपचार हो रहा है। पर 14 तारीख के बाद जब उनका डिस्चार्ज कराए के बारी आई तब 75,000 रुपया मांगा ला हमा। हम लोग गाय बेहोश हो गई है, बेहोश थी, हम लोग संजय गांधी ले गए। संजय गांधी ले गए तो मतलब ऑक्सीजन बस लगाए थे इसको। अब आराम वहाँ से नहीं समझ में आता, मतलब वहाँ के बोले तुम बाहर ले जाओ। वहाँ से हमने बोले मेडिकल नगर मेडिकल स्टोर में, हम मेडिकल जो डॉक्टर हैं वहाँ पे ले चल जबलपुर में। एम्बुलेंस वाला बोला ठीक है, अब रस्ते में आके बोलता है इसमें हतार ले चलो, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढकाना, ये है वो है, अच्छा है ये है वो। हमने बोला देखो इसके पास हमारे पैसा नहीं है। बोला आयुष्मान कार्ड लगे तुम क्यों, पर तुम्हारी दवाई फ्री में होगी। हमने माना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम को ही ले चलो हमको वहाँ दिक्कत। अरे तुमको टेंशन नहीं है, तुम वहाँ ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आसमान कार्ड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बोले आसमान कार्ड दिखा इसका, आसमान कार्ड बोले लग जाएगा। 3 दिन हो गए बोलते आसमान कार्ड नहीं लगेगा। आपका आयुष्मान कार्ड जो लिए थे जो संस्कार धानी अस्पताल वाले आसमान कार्ड ये लोग लिए हैं सर, बाकी जो पैसा आपने दिया कैसे चुकता किया फिर? उस दिन पहले मतलब जब इनका वो दो, 1-2 दिन हो जाए तो 10,000 कहीं पर्ची दे, कहीं 15,000 की पर्ची दे। हमने पहले 25,000 रुपए टोटल जमा कर दिए। कैसे जमा किए, आप कहां से पाए थे पैसे? तो हम लोग गहना गुड़िया बेचे वहां थे। और अब बात करे थे रीमा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 4 के, जहां के विधानसभा क्षेत्र के खैरी बिंद बिहार बस्ती अब मूलभूत सुविधा से बहुत दूर ही भाई। यहाँ के बस्ती में ही 4 महीना से लाइट नहीं आए, अधियारे में ही यहाँ के लोग गुजर बसर कर रहे हम और इनकर के खोज करे वाला नहीं आए। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता पीड़ितन के मुद्दा का उठाए के कहिन के रीवा के जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश सरकार और रीवा शासन का गंदी बस्ती में ही मूलभूत सुविधा देवावे चाहिए और वहाँ के रहने वाले लोगन के साथ जो गंदी बस्ती नाम शब्द जुड़ा है उका हटावा जाए। पता है इमरान मेहरिया हम कहाँ पाई, लाइट ही तक काटी ही बिजली ऑफिस में कहें कि हम पैसा जमा करा तब लाइट जोड़ा, महीना जोड़ा हम।
जैसा कि आपको मालूम है कि रीवा का विकास होता रहा, रीवा नगर महानगर बनने जा रहा है, 104 गंदी बस्तियां हो गई। हमने सोचा है कि आपको हर गंदी बस्तियां, जितनी गंदी बस्तियों का नाम दिया है, उन बस्ती में जाना है हमें और देखना है कि वहां के बस्ती के लोगों को आखिर क्या सुविधाएं मिल रही हैं। आज हम आए हैं जमुना बिहार बस्ती खैरी, जहाँ यहाँ पे हमने आज देखा, यहाँ पे दो दो हैंडपंप हैं, वो हैंडपंप बिगड़े हुए हैं, यहाँ चार माह से बिजली कटी हुई है। सोच सकते हैं चार माह से 100-150 लोगों की आबादी वाली बस्ती, लोग घरों में अंधेरे में रहते हैं क्योंकि चार महीने से यहाँ की बिजली काट दी गई है। एक एक घर में एक बल्ब जलता है, लेकिन 20,000, 25,000, 10,000 रुपए इन लोगों के बिजली के बिल आए। रीवा माही राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम माही 2022 मा रीवा माही पिछले सालन के नाई जहां मलेरिया के अधिक मरीज पाए गए रहे, वैसने चुने गए 10 क्षेत्रन माही मलेरिया के मास सर्वेलेंस शिविर दो चरण में आयोजित की जाई। पहले चरण के आयोजन 30 जुलाई तक की जाई, तो वह दूसर चरण माही 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शिविर चलावा जाई। ये मामला माही जिला कलेक्टर मनोज पुष्प बताइन के 23 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक कलेक्ट्रेट सभागार में यमे के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा है, जो माही शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग खातिर 23 जुलाई, जल संसाधन विभाग और लोक निर्माण विभाग खातिर 24 जुलाई, वहाँ उच्च शिक्षा विभाग, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग और दूसरे विभागन खातिर 31 जुलाई का शिविर लगावा जाई, जो माही पेंशन के मामलन के निराकरण की जाई। रीवा माही नगरी निकाय के दूसरे चरण के मतगणना 20 जुलाई का होए वाली ही, जहां रीवा नगर निगम के महापौर और पार्षद पदन के साथ है 9 नगर परिषद के पार्षद पदन खातिर मतदान करावा गया रहा, जेखर मतगणना 20 जुलाई का सुबेरे 9 बजे से शुरू हो जाई। ये मामला वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प बताइन के रीवा के नगर निगम के मतगणना के काम शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में बनाए गए केंद्र में कीन जाई। वह गोविंदगढ़ खातिर शासकीय पुष्पराज हायर सेकेंडरी स्कूल का केंद्र बनावा गया है, तो गुड़ के खातिर शासकीय बालक उमा विद्यालय और नगर परिषद मनिगमा के मतगणना खातिर शासकीय महाविद्यालय मनिगमा का केंद्र बनावा गया है। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखा त्रिमार अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।